हेलो दोस्तों वेलकम बैक मेरा नाम है मिशेल आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्स पर जहां हम सीखते हैं इंग्लिश वो भी हिंदी के थ्रू तो बताइए आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं ऑफ कोर्स आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं क्या आपने कभी मूवीज देखते हुए नेटिव स्पीकर्स को ही इज देड वीड जेर योर ऐसी चीज़ें बोलते हुए सुना है और वो भी बहुत फ्लूएंटली और आप सोचते होंगे ये कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है डोंट वरी आज मैं आपको समझाऊंगी कि हम इसे क्या कहते हैं और इसे कैसे सीखते हैं ये होती हैं कॉन्ट्रैक्शंस एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको मेरा फर्स्ट सेंटेंस सुनिए आई एम सो हैप्पी टू बी योर फ्रेंड यू आर ऑसम अब इसी सेंटेंस को एक और तरीके से सुनिए I'm so happy to be your friend. You're awesome. बताइए इन दोनों में से ज्यादा नेचुरल कौन सा साउंड कर रहा था दूसरे वाला राइट right? जी हां वो इसलिए क्योंकि सेकेंड सेंटेंस में मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज किए हैं इसीलिए मैं ज्यादा फ्लुएंट साउंड कर रही थी तो इसी तरीके से आप भी और नेचुरली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्शनस को अपनी डेली कॉन्वर्जेस में इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का स्पेशल इस्तेमाल होता है जब हम किसी से बात करते हैं और हम बात करते हुए अगर फ्लुएंट होना चाहते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा डोंट वरी आज के इस लेसन में मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ तो आइए शुरुआत करते हैं तो दोस्तों देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस यू आर द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट इसका मतलब होता है तुम सबसे अच्छे इंसान हो जिससे मैं आज तक मिला हूँ आपने ओब्वियसली ऐसे हिंदी में किसी ना किसी को तो कहा होगा पर तो इंग्लिश में आप बोलते हुए झिचकिचाते हैं या फिर आपको डर लगता है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसे ही कहा हो इसी सेंटेंस को हम और फ्लुएंटली और नेचुरली बोल सकते हैं अगर हम कॉन्ट्रैक्शनस का इस्तेमाल करेंगे तो वेल well, कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है कंट्रैक्शंस होता है जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करें अपोस्ट्रिफी लगा के आइए इस सेंटेंस में देखते हैं हम कहाँ दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं तो पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे यू और आर का यहाँ पे हम दो वर्ड्स यू और आर को जोड़ेंगे और बनाएंगे योर जी हम इसको बोलेंगे योर हम इसको वाई ओ यू आर योर की तरह प्रोनाउंस करते हैं ओके देखते हैं कैसे अगर आपने नोटिस किया है यहाँ पे मैंने ए को हटा दिया क्योंकि मैंने एक ही जगह पर अपोस्ट्रफी लगाई है जिस भी साउंड को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में उसकी जगह पर अपोस्ट्रफी लगता है जैसे कि मैंने कहा यू आर और कॉन्ट्रैक्शन मैंने कहा योर तो मैंने ए को नहीं बोला इसलिए मैंने एक ही जगह पर अपोस्ट्रफी लगाया और बोला यूर तो अब इस सेंटेंस को दोबारा बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को यूर द नाइसेस्ट पर्सन ओके okay. अब देखते हैं इसी सेंटेंस में हम एक और कंट्रैक्शन कहाँ बना सकते हैं जी हाँ हम एक और कंट्रैक्शन बना सकते हैं यहाँ आई हैव आई हैव को अगर हम जॉइन करेंगे तो ये बनेगा आईव आईव अब जब हम आईव बोलते हैं हमने एच और ए की साउंड को बिल्कुल खत्म कर दिया है इसलिए हम उनकी जगह पर आप पोस्ट्रफी लगा रहे हैं और कह रहे हैं आईव मेरे बाद रिपीट कीजिए आईव अब मैं पूरा सेंटेंस बोल के दिखाती हूं और आप मेरे बाद रिपीट कीजिएगा यू आर द नाइसेस्ट पर्सन आईव एवर मेट रिपीट ओह दैट वाज गुड नाइस ओके अब इसके साथ अपने नेक्स्ट सिंपल से सेंटेंस पे बढ़ते हैं शी इज ब्यूटिफुल जी इसी को हम शी और इस को ज्वाइन करके बना सकते हैं शीज़ शी इस को हम बोलेंगे शीज जी जिसमें एक लॉन्ग साउंड आएगी शीज़ और कोई ब्रेक नहीं आएगा बीच में अब आप बताइए मैंने इसमें कौन सी साउंड को नहीं बोला है मैंने ई आई लेटर को नहीं बोला इसलिए मैं उसकी जगह पर पोस्ट्रिफी लगा के बनाऊँगी शीज़ she's ब्यूटिफुल अब ज़रा ये सोचिए क्या हम सब्जेक्ट चेंज करके और भी कंट्रैक्शन बना सकते हैं इसके साथ हम्म mm -hmm, आप काफी स्मार्ट हैं इसको हम शी के सिवा ही और इट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइट right? तो हम कह सकते हैं ही इज हैंडसम इट्स ब्यूटीफुल ऑलराइट तो ही शी इट के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम इसके साथ तीन कंट्रैक्शंस बना सकते हैं ही इज शी इज इट्स ग्रेट अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं दे विल थिंक ही सोचेंगे कि वह पागल हो गया है इस सेंटेंस में भी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कंट्रैक्शन बना सकते हैं क्या आप सोच सकते हैं कौन सी यहां पर हम दे और विल को ज्वाइन करके बनाएंगे दे okay? अब आपको इंग्लिश वर्ड इल का मतलब तो पता होगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है आप कहते हैं He is ill. वो बीमार है राइट right? इसमें बस आपको वही साउंड लेनी है दे और इल को जोड़कर बनाना है दिल क्योंकि हमने यहां पे डब्ल्यू को यूज नहीं किया है इसलिए डब्ल्यू की जगह हमने पोस्ट्रफी लगाई और बनाया दल साथ में बोलते हैं देल अब दे में भी हम कॉन्ट्रैक्ट हम सब्जेक्ट बदल के और भी कॉन्ट्रैक्शंस बना सकते हैं सोचिए कौन सी व्हील हील शील इटल ओके और यूल यूल भी कह सकते हैं आप ऑल राइट सो ही शी इट वी यू और दे के साथ आप डब्ल्यू आई एल एल का यूज़ करके बनाएंगे हील शील देट इटल ओके पर याद रखिएगा जब आप इट इल बोलेंगे तो एक छोटा सा ब्रेक आएगा अब इसी के साथ अपना अगला सेंटेंस देखते हैं आई एम विद यू ऑन दैट Well, इस सेंटेंस का मतलब होता है अगर आप किसी के साथ अग्री कर रहे हैं उनकी बात आप मान रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम विद यू ऑन दैट इसको आप आई एम की जगह यहां पर क्या कहेंगे आम आम तो बताइए मैंने यहां पे कौन सी साउंड नहीं बोली मैंने यहां पे अ की साउंड नहीं बोली इसलिए मैं अगर पोस्ट्रफी लगाऊंगी मैं कहूंगी आम आम विद यू ऑन दैट यानी मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूं अब ये बताइए एम को आप कितने सब्जेक्ट्स के साथ यू यूज़ कर सकते हैं क्या आप कह सकते हैं इट एम यू एम दे एम नहीं राइट right? इसीलिए हम एम के साथ सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं जो है आई एम ऑल राइट ओके लाइक आई एम मिशेल ऑल राइट अब देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस वी हैव नोन हर फॉर टेन ईयर्स इससे बहुत मिलती जुलती मैंने एक कॉन्ट्रैक्शन अभी बोर्ड पर आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है बताइए कौन सी आई थिंक यूर वेरी स्मार्ट फर्स्ट वन आय जी जैसे हम कहते हैं आय सब्जेक्ट बदल के हम कह सकते हैं वीव. हम कह सकते हैं यू हम कह सकते हैं देव ओके सो आई वी यू और दे के साथ हम हैफ का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम ये चार कॉन्ट्रेक्शन बना सकते हैं रुपीट आफ्टर में We've, you've, they've, I've. All right. इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी कॉन्ट्रेक्शन बना सकते हैं हम इंग्लिश में have topped the exam. जी यहाँ पर आपने अगर मुझे ध्यान से सुना है तो मैंने could और have कुड join करके बनाया कुड जी have अगेन मैंने यहाँ पे एच नहीं बोला है इसलिए मैंने एच की जगह पर अपोस्ट्रफी लगाया है और बोला कुडफ कुडफ की तरह आप और क्या यूज़ कर सकते हैं सोचिए सोचिए कुड जैसे कुछ और वर्ड्स राइट वुड शुड माइट राइट तो आप वो सब यूज़ कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं शी शुड हैव टॉप द एग्ज़ाम आप कह सकते हैं शी माइट हैव टॉप द एग्जाम आप कह सकते हैं शी वुड हैव टॉप द एग्जाम ओके तो इस तरीके से आप इन चार वर्ड्स के साथ हैव जॉइन करके इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं नाउ आर नेक्स्ट सेंटेंसेस आई वुड लव टू सी यू अगैन ओके यहाँ पर हम आई और वुड को जॉइन करके बनाएंगे आई वुड आइड आइड हम इसको कुछ ऐसे बोलेंगे एड नहीं आइड ओके आइड लव टू सी यू अगैन अब यहीं पर आप सोचिए आप आइड के सिवा और क्या क्या सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं आइड हीड शीड वीड देड, यूड इस तरीके से आप सब्जेक्ट चेंज करके कंट्रैक्शंस बना सकते हैं सिर्फ ड की साउंड ऐड करके राइट अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं इट वुड बी गुड इफ यू रीच ऑन टाइम जी ये इसी का ही एक एग्जाम्पल है जैसे कि मैंने कहा आप सब्जेक्ट चेंज करके और कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं Eated. पर नोटिस पर करना जरूरी है कि दोनों कॉन्ट्रैक्शन की प्रोनाशिएशन में थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे मैंने कहा आइड और मैंने बीच में कोई ब्रेक नहीं डाला सिर्फ एक साउंड में बोला आइड पर यहां पे मैंने कहा है इटड जी यहां पे एक हल्की सी साउंड आई बीच में तो मेरे बाद बोलिए इटेड आइड इट इक्सलेंट नाउ हम देखेंगे हमारा लास्ट सेंटेंस जो कि है वी आर अ गुड टीम यस आप और मैं एक बहुत अच्छी टीम है वी आर अ गुड टीम इसमें हम वी और आर को ज्वाइन करके बनाएंगे We're, जी हाँ यहाँ पर हम ए हटाएंगे और वेयर बोलेंगे क्या आपको इंग्लिश वर्ड पता है पहनना पहनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं वेअर बस वही वर्ड को आपको कॉन्ट्रैक्शन के रूप में बोलना है वेअर राइट सो दिस इज वेयर अ गुड टीम तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वेअर अ गुड टीम क्या आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन को हम क्वेश्चन टैग्स में भी यूज कर सकते हैं जैसे कि गुड टीम आंटवे जी यहां पर हमने आर और नॉट को ज्वाइन करके बनाया आंटवे ये एक नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है और यहां पर हम थोड़ी बहुत और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं जैसे शे इज ब्यूटिफुल एजेंट शे यहाँ पर आपको देखना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है कि हमारी नेगेटिव कॉन्ट्रेक्शन क्या बनेगी यहाँ पर आर है इसलिए आठ हुई यहाँ पे इज है इसलिए इजेंट हुई यहाँ पे विल है इसलिए वोंट दे तो नेगेटिव कॉन्ट्रेक्शन बनाने के लिए आप नोटिस करेंगे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या है और बीच में आप नोट लगाएंगे और पोस्ट्र लगा के बोलेंगे इज इन शे दे आंट वे इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आई होप आज ये कॉन्ट्रैक्शन सीख कर आप इंग्लिश में अब और फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जब आप नेक्स्ट टाइम इंग्लिश मूवीज देखेंगे आपको पहले से बेहतर समझ आएगा सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी सी यू सून बाय बाय